जितेंद्र मेघवाल हत्याकांड की चर्चा अब सियासी गलियारों में है। पाली में जितेंद्र मेघवाल हत्याकांड मामले पर मायावती ने एक बयान दिया था। मायावती ने राजस्थान में राष्ट्रपति शासन तक लगाने की मांग कर दी और अब मायावती के बयान पर मंत्री गोविंद मेघवाल ने पलटवार किया है। मंत्री गोविंद मेघवाल ने मायावती पर निशाना साधते हुए कहा कि मायावती बीजेपी की बी टीम बन चुकी है। भाजपा की सरकार लाने में मायावती का भी सहयोग रहा। मायावती पहले अपने गिरेबान में झाके। आपको बता दें कि अजमेर के ब्यावर में पाली के सुमेरपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के कोविड स्वास्थ्य सहायक जितेंद्र पाल मेघवाल हत्याकांड पर शहर के विभिन्न SC ST संगठनों के पदाधिकारियों ने आक्रोश जताया है। हत्यारों को फांसी दिए जाने और मृतक के परिजनों को उचित मुआवजा दिए जाने की मांग को लेकर संगठित दलित संगठनों के पदाधिकारियों ने CM गहलोत के नाम उपखंड अधिकारी को भी ज्ञापन दिया था। दिए गए ज्ञापन में बताया गया कि जितेंद्र पाल मेघवाल हत्याकांड को लेकर पूरे दलित संगठन आक्रोश में हैं। मायावती और भीमा आर्मी चीफ लगातार ये आरोप लगा रहे हैं कि प्रदेश में कानून व्यवस्था खराब हो चुकी है। देखिए, जो जितेंद्र मेघवाल हत्याकांड हुआ है, इससे पूरे राजस्थान का दलित समाज दुखी है, उनमें आक्रोश है। और खाली दलित समाज ही नहीं, जो इस देश में सामाजिक न्याय चाहते हैं, जो प्रजातंत्र के पक्षधर हैं, जो कानून का राज इस देश में चाहते हैं, वो सभी लोग दुखी हैं। हाँ, एक RSS का कोई कार्यकर्ता जरूर इस हत्याकांड के और जितेंद्र घटना के विरोध में बोला है और जो हत्या करने वाले लोग हैं उनके पक्ष में बोला है। इसलिए मैं 19 तारीख को उनके घर पे गया हूँ। मैंने शोक संवेदना प्रकट की है जितेंद्र के घर में, और मुख्यमंत्री जी से आते ही मैंने बात करके और 5 लाख रुपए की सहायता के रूप में भी मदद की, चूँकि उन्होंने मांग की थी। दूसरा, हमने 3 चीज़ें की है। एक तो ये केस जो है स्पेशल लेकर के इसका जल्दी निस्तारण किया जाएगा। वहाँ का पुलिस प्रशासन बिल्कुल मुस्तैद है, दोनों मुलजिमों की गिरफ्तारी हो गई और जल्दी इस केस का निपटारा किया जाएगा। लेकिन मुझे दुख है कि वहाँ पे मायावती जी का आज बयान आया है कि राजस्थान में राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए। मायावती जी, आप बीजेपी की बी टीम बन चुकी हो, आपसे दलितों का मोह भंग हो चुका है। आपने उत्तर प्रदेश के अंदर जो बीजेपी का आज प्रचंड बहुमत आया है, उसमें मायावती जी की बहुत बड़ी भूमिका है। दलितों का इनसे मोह भंग हो गया और इनसे निकलकर जो यूथ में गया, जो चंद्रशेखर के साथ में गया, उसने भी जहाँ भी वोट लिए हैं थोड़े बहुत, उससे भी बीजेपी को लाभ हुआ है। और उत्तर प्रदेश के अंदर जो दलितों के साथ एट्रोसिटी हो रही है, इतनी पूरे हिंदुस्तान में नहीं हो रही है। वहाँ बिना कानून के वहाँ के मुख्यमंत्री लोगों को जेल में बंद कर रहे हैं। मैं ये कहता हूं कि आप पहले यूपी के दलितों को न्याय दिला दें, और आप लोग बीजेपी के भय से, क्योंकि मायावती जी के पास में बहुत सारा 2 नंबर का पैसा इकट्ठा हो चुका है। हम लोगों ने गरीबों के घर से 2-2 रुपए इकट्ठे करके मायावती के जन्मदिन पे लोग भेजते थे, उसका परिणाम है कि आज सबसे ज्यादा वो इनकम टैक्स भर रही है।